हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। और आज आप लोगों के लिए और एक वीडियो लाया हूँ LMT के ऊपर, लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हुए एक एम्पलीफायर में आप कितना हॉर्न यूज कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारा आता है, इनके बीच जो सबसे ज़्यादा आता है भाई आहूजा का 250 वाट एम्पलीफायर के साथ हम कितना LMT लाइन ट्रांसफार्मर यूज करते हुए हॉर्न चला सकते हैं। तो भाई छोटा सा वीडियो होगा आप लोगों के लिए, एकदम जो रियल एक्सपीरियंस है शेयर करूंगा। तो आज मैं फील्ड में हूं और यहां पे एक छोटा सा सेटअप भी लगा चुका हूं जिनका आवाज़ आप लोगों के पास अभी पहुंच रहा होगा। तो यहां पे हॉर्न के लिए यूज़ कर रहा हूं एक आहूजा की तरफ से 250 वाट का एम्पलीफायर। और उस एम्पलीफायर में साउंड सेटअप क्या होगा हॉर्न चलाने के लिए और कितना लोड मैक्स टू मैक्स आप दे पाओगे, ये इन डिटेल्स आप लोगों के साथ आज शेयर कर देता हूँ। तो भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे है आहूजा की तरफ से ACC 250M जो कि एक 30 साल पुराना एम्पलीफायर है करीबन। तो इसमें चारों हॉर्न चलाया जा रहा है। अगर आपके पास ऐसा मॉडल का ACC मॉडल हो या बूस्टर एम्पलीफायर अवेलेबल हो तो उस पर आप आराम से 6 पीस 60 यूनिट के साथ डाल सकते हो। अगर 40-35 यूज़ कर रहे हो 7 से 8 पीस चले जाओ, कोई आपको साउंड में कमियाँ महसूस नहीं होगी। क्योंकि अगर इसके साथ आप अलग करके LMT डाल के हॉर्न यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, जो कि हम लॉन्ग रनिंग में इसको यूज कर सकते हैं। और वायर का एक माप मैं बता देता हूं, अगर आप ऐसा 250 वाट एम्पलीफायर के साथ 4 कॉइल तक भी तार यूज कर लो तो उस पे आपका 6 पीस हॉर्न आराम से बच जाएगा। तो भाई 4 कॉइल से आप कितना दूरी तय कर सकते हो ये देख लो। तो यहां पे बेस का लेवल है, ट्रेबल का है, मास्टर का है, हालांकि ये तो यहां पे उठ गया है भाई। और यहां पे ऑक्स लाइन है। तो साउंड सेटअप मैं थोड़ा दिखा देता हूं। बेस यहां करीबन 10% तक खुला हुआ है और ट्रेबल जो कि है मैं थोड़ा शार्पनेस पसंद करता हूँ, ये थोड़ा अभी फुल देके रखा हूँ। मास्टर करीबन 90% तक डाला हुआ है और जितना मुझे साउंड चाहिए उतने के हिसाब से मैं यहाँ आक्स यूज कर रहा हूँ। थोड़ा कम साउंड में चल रहा है, 4 पीस हॉर्न रनिंग हो रहा है इसीलिए थोड़ा कम है, पर इसको मैं इंक्रीज करूँ तो ऐसा। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इतना दूर तक अगर आप अपने साउंड को मेंटेन करके चलाते हो तो उसमें क्या होता है, आपका साउंड क्रैक होने का कोई दिक्कत नहीं आता है। साउंड एकदम 0 dB तक यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, जो साउंड का एक यूनिटी गेन लेवल होता है। यूनिटी गेन लेवल के साथ अगर आपका लेवल इंडिकेटर शो करता रहे तो आपका साउंड जो होगा एकदम क्रिस्प एंड क्लियर निकलेगा। LMT लाइन के साथ अगर ऐसा सेटिंग में आप चला रहे हो तो ये मेरा गारंटी रहा आपसे, चाहो तो आप करके देख सकते हो। आहूजा हो, पियानो हो, कोई सा भी आप यहां पे ड्राइवर यूनिट यूज कर सकते हो। हालांकि यहां तो मेरा एक SSB जो 120 dB है पियानो का, इस पे बॉक्स चल रहा है तो इनका भी मैं थोड़ा साउंड खोल देता हूं। सॉरी, ये तो 2 नंबर था। यहां पे डापिक का कमाल है भाई, ये जो शार्पनेस आप देख सकते हो, क्रिस्पीनेस डापिक का है। और हॉर्न का साउंड क्या होने वाला है ये मैं रोड पे जाके आप लोगों को दिखा देता हूं, तब आप देख सकोगे। तो दोस्तों यहाँ पे डाला हुआ है मेरा 4 हॉर्न जो आप यहाँ पे, मैं टॉर्च देके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं LMT के साथ डाला हुआ है। ये पीछे किया जाए तो इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर अगर आप स्पीकर चलाना चाहते हो तो चारों 100 वाट का स्पीकर आराम से चला सकते हो, जो कि 400 वाट लोड होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता। तो उसी हिसाब से मैं अगर आपको हॉर्न बताऊं तो फिर 6 पीस 60 वाट का यूनिट लेके 60 × 6 360 वाट लोड हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका मेंटेन हो जाएगा। तो भाई कैसा लगा आज का वीडियो, ये यहाँ पे 250 वाट एम्पलीफायर के साथ मैं तो यहाँ 4 हॉर्न यूज कर सकता हूँ, पर आप लोगों को तो मैं बता दिया आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हो। तो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने इस भाई का वीडियो, और थोड़ा सपोर्ट भी करो यार। आप तो वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते, थोड़ा लाइक कॉमेंट भी किया करो, दिल से अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।